नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमनाथ वर्मा, आप लोग का हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी का देसी नुस्खा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अधिक गर्मी होना। दोस्तों अगर ज़्यादा गर्मी हो रही है आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपको तो मैं उसके लिए एक छोटी सी औषधि लेके आया हूँ। उस औषधि का इस्तेमाल करके आपको बिल्कुल अपनी बीमारी को सही कर देना है। तो दोस्तों अधिक गर्मी भी होना ये एक बीमारी होती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं छोटी सी औषधि बता रहा हूँ। उस औषधि का आप इस्तेमाल करिए, आपको 100% आराम होने वाला है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत सी माताएं हैं, बहुत से हमारे छोटे बच्चे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरी बॉडी में गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो उनके लिए यह औषधि है। तो आपको करना क्या है कि कद्दू, तो आपको पता है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कद्दू मिलता है, तो कद्दू ले लेना है। कद्दू लेने के बाद आपको उसके बीज को निकाल लेना है, उसका जो ताज़ा बीज है उसको निकाल लेना, उसको बारीक पीस के उसी को पीना है आपको। दोस्तों सुबह और शाम दोनों टाइम आप पियो तो ज़्यादा अच्छा रहे। बीज का तो इस्तेमाल आप कर लिए, अब उसका जो फल बचता है, वो जो बचता है आपको उसकी सब्जी बना के खानी है। सब्जी भी खाने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है और इससे क्या है कि हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहती है। और दोस्तों उसका जो एक टुकड़ा ले लेना है, अगर आपके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है तो उसके टुकड़े को ले लेना है, अपने जहाँ पे पसीना ज़्यादा हो रहा है उस पर घिसना है। उस टुकड़े को लेके कद्दू का एक टुकड़ा लो, आप उस पर घिसो और पैर के तलवे में घिसना है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि आपका पसीना जो है वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएगा, नॉर्मल पसीना आने लग जाएगा और ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बहुत से भाई इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि पसीना आते आते वो सड़न पैदा हो जाती है, वहाँ पे फुंसियाँ आने लग जाती, धीरे धीरे छोटे छोटे फोड़े फुंसे हो जाते हैं वहाँ पे पसीने की वजह से, तो बहुत भारी समस्या हो जाती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपको बताया गया है, आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे इस जड़ी बूटी का, तो आपका 100% आपका पसीना बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और आपकी बॉडी की गर्मी जो है वो भी कम हो जाएगी पहले से। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।